एक आरोपी सोनू और दूसरा काका, ये दोनों जिला जेल सिरसा में 307 के मुकदमा में बंद थे, जिन्होंने जेल में झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद सिविल हॉस्पिटल सिरसा में दाखिल हो गए थे। और इसी दौरान दिनांक 9/10/2022 की 9/8/2022 की रात को ये आरोपी हमारे पुलिस कर्मचारी को चोट मारकर हॉस्पिटल से फरार हो गए थे, जिनकी काफ़ी दिन से पुलिस को तलाश थी। जिनमें से एक आरोपी काका 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो रिमांड पर है, जिनको आज पेश किया जाएगा। और एक दूसरा आरोपी जो सोनू, उसको कल आईटीआई चौक से सिरसा से गिरफ्तार किया गया है, जिसको भी आज अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल किया जाएगा। और रिमांड अवधि के दौरान उसकी पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मचारी पर हमला होने पर धारा 332/53, 186, 307 और ऐसी इस प्रकार इन धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया था, और जिसमें इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इनसे पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार जहाँ जहाँ रुके, जिनको पनाह दी, जिन्होंने पनाह दी, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई पुलिस की करेगी।